दोस्तों आज हम बीजी भट्टे पर आ गए हैं और यहाँ हमारे रिंकू जी बैठे हैं। मुंशी देखिए, ये हमारे हेड मुंशी हैं यहाँ के रिंकू जी। और आज हम बीजी भट्टे के ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इनकी इंटरव्यू भी लेंगे। ये इनका दफ्तर है, देखिए यहाँ बैठे बड़े आराम से काम करते हैं अपना। लेकिन अभी हमारे पास माइक नहीं है तो इंटरव्यू लेंगे इनका आने वाले समय में। अब हम अंतर पार की वीडियो बना देते हैं दोस्तों। और रिंकू जी कैसे हैं, बोलो? ठीक है। कैसे चल रहा है कामकार? सही है। ठीक ठाक? मंदा है। बढ़िया, मारो मार चल रही है पूरी? नहीं, बहुत मंदा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बाहर की वीडियो दिखाते हैं आपको बना करके। ये छोटा दफ्तर है इधर, जहाँ रिंकू जी हमारे बैठे हैं। और इधर बैठते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। दफ्तर के अंदर एसी लगा हुआ है दोस्तों, इधर से देख सकते हैं आप। इधर भैंसे गाय वगैरह रखी गई हैं। और ये छोटे मुंशी हैं हमारे लगते हैं बड़े प्यारे। कैसे हो? बढ़िया। ठीक ठाक? ठीक है, ठीक है। काम ठीक चल रहा है? बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे बंदे हैं हमारे और काफ़ी काबिले तारीफ काम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए ट्रालियाँ खड़ी हैं जिनमें इंटे भर करके ले जाई जाती हैं दोस्तों। और भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है इन ट्रालियों से। और ये भट्टा काफ़ी पुराना है। और इधर देखिए, ये कोले का भंडार है दोस्तों। यहाँ से कोला जो है ले जाया जाता है, जो कोला भरते हैं भट्टे में, जलाई का काम होता है। अभी खड़े हैं यहाँ पर जेसीबी वगैरह खड़ी हैं। अभी काम बंद है दोस्तों, पथेर चली गई है। दिवाली के एड़ गेड़ में पथेर का काम शुरू होगा यहाँ पर। ये ट्राली खड़ी है, इसमें तेल वगैरह है दोस्तों, टैंकर में जो डीजल वगैरह डाला जाता है, डीजल पेट्रोल जो भी है। और इस भट्टे की ईंट दोस्तों काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हमने यूज की है, तो काफ़ी पुराना भट्टा भी है। एक ट्रॉली ट्रैक्टर ये खड़ा है यहाँ पर, देखिए। और इस भट्टे की ईंट इतनी मजबूत है दोस्तों कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इधर भी एक डीजल टैंकर खड़ा है, पेट्रोल डीजल एक ट्रैक्टर और खड़ा है, एक गाड़ी खड़ी है इधर। ये भाई साहब बैठे हैं, कल इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। दरख्त हैं दोस्तों यहाँ बैठने के लिए, काफ़ी ठीक ठाक है प्रोग्राम और घर जैसा माहौल है यहाँ पर। और ईंटें दिखा देते हैं आपको। उधर देखिए ट्रॉली में जो है माल लोड किया जा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी प्रेम प्यार है दोस्तों इनके साथ हमारा। और काफ़ी पुराना भट्टा भी है ये। और ईंट भी आपको यहाँ से अव्वल क्लास मिल जाएगी। और एक ट्रॉली ये खड़ी है देखिए दोस्तों, इधर ट्रालियों का काफ़ी भंडारण है यहाँ पर, ट्रैक्टरों के साथ अटैच हैं, ये देखिए। तो आप सेवा का मौका ज़रूर दें दोस्तों, इस ईंट को इस्तेमाल करें, ले जाएं, देखें कैसी लगती है ये ईंट इस्तेमाल में आपको सबको, और कितनी मजबूती है इसके अंदर दोस्तों। जितनी मैं बता रहा हूँ उससे तो कई गुना मजबूती इस ईंट के अंदर है। और अव्वल क्लास ईंट है दोस्तों। और ये भट्टा भी जो है इलेक्ट्रीफाइड है पूरी तरह से, बिजली वाला भट्टा जिसको बोलते हैं, वो वाला भट्टा है दोस्तों। पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन इसका किया हुआ है। और ये ईंट भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन होने के नाते। और बिजली के भट्टे में इसको पकाया जाता है, तो काफ़ी मजबूती से इस ईंट को जो है तैयार किया जाता है यहाँ भट्टे में। और काफ़ी मजबूती के साथ ये ईंट जो है दोस्तों यहाँ पर लाई जाती है। हालाँकि इस समय दोस्तों यहाँ पर स्टॉक आपको सीमित ही मिलेगा, क्योंकि ईंटें तमादम उठ रही हैं यहाँ से। और आप भी सेवा का मौका दें और इन ईंटों को ले जाएं। और दाम भी काफ़ी कम है दोस्तों इन ईंटों के। और रोड़ी वगैरह भी आपको मिल जाएगी यहाँ से, अगर आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी कम दामों में रोड़ी मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए हमारे डॉगीज भी खड़े हैं ऊपर, और अगर दृश्य में आपको दिखा देता हूँ, इधर सामने भट्टा है। और ये भट्टा विश्वास का पात्र दोस्तों बहुत पुराना है, 1995 से लेकर के अब तक देख लीजिए कितने साल हो गए दोस्तों, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। उन्नीस सौ पचानवे का 27 साल हो चुके हैं दोस्तों इस भट्टे को बने हुए। और 27 सालों में इसका विश्वास काफ़ी बड़ा है। और विश्वास बढ़ने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कस्टमर भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये देखिए इधर से मैं आपको कोल वाले शेड का बाहरी दृश्य दिखा देता हूँ।
और यहाँ दोस्तों ईंटों को तोड़ करके और रोड़ों को तोड़ करके जो है रोड़ी बनाई जाती है। ईंटें भी होती हैं पौनी रोड़े जिसको बोलते हैं, और छोटे रोड़े उनको तोड़ करके दोस्तों रोड़ी बनाई जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर रोड़ी भी आप ख़रीद सकते हैं, और रोड़ी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी मजबूत रोड़ी है ये। और मैं भी शायद घर पे जब काम लगाऊंगा तो यहीं से ले जाऊंगा रोड़ी वगैरह और ईंट वगैरह, फर्श डालना है तो रोड़ी फर्श के लिए, और ईंटें जो लेंटरिंग बाथरूम का दोस्तों लेंटर डालना है उसके लिए, ऊंचा करना है उसको। ये देखिए काफ़ी अव्वल क्लास ईंट यहाँ पर रखी गई है। ये पीछे की साइड है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आगे मुझे जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है दोस्तों। तो ये देखिए दूर दूर तक यहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं, और ईंटें भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं दोस्तों, और अव्वल क्लास ईंट है। ये नहीं कि कोई ईंट में कमी पेशी है, ईंट बहुत अच्छी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इधर भट्ठे का बाहरी दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, बैकवर्ड एरिया, और यहाँ पर भंडारण किया गया है इन सभी ईंटों का। अभी काफ़ी ज़्यादा ईंट भट्ठे के अंदर है दोस्तों, लेकिन उसको निकाला जाएगा तब भराई शुरू होगी या थोड़े दिन पहले। और अब पथेर आएगी दोस्तों यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में। तो ये देखिए जो ईंटों का चट्ठा इधर लगाया गया है मेरी साइड, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। और इस ईंट को बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से लगाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी यहाँ भट्ठे पर विजिट जरूर करेंगे। जो जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे भी मैं यही आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस ईंट को ले जा करके लगा करके देखें और फिर बताएं कि कैसा अनुभव रहता है आप सबका। और इस ईंट को लेने आप दोबारा ज़रूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि एक तो ये भट्टा नज़दीक पड़ता है और दूसरे घर के जैसे ताल्लुकात हैं इनके साथ सभी के, और रेट भी जेन्युइन है दोस्तों, कम किया जा सकता है ज़्यादा नहीं। और अपनों के साथ तो दोस्तों हर एक बंदा जो है एडजस्टमेंट करता ही है, और बेगानों को भी पूरी एडजस्टमेंट की यहाँ पर एक तरह से अपनापन मिलेगा। बेगानों के साथ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर बनाने आजकल के समय में काफ़ी कंपटीशन भरा माहौल है। सभी चीज़ों को देख लीजिए आप, खर्चे पूरे नहीं होते, और काम इनका ठीक ठाक है, पहुँच भी बहुत दूर तक है, और किराया भी कम लेते हैं ये। कई मरतबा ऐसा होता है दोस्तों कि किराया थोड़ा ज़्यादा लगता है आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम होगा वो। पूरे पूरे कंट्रोल रेट में आपको जो है ईंट घर आपके पहुंचा दी जाएगी। और ये ईंटें आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त ईंट है। बार बार इस ईंट की मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने आजमा रखी है ये ईंट, और इस ईंट के अंदर वो मजबूती है जो किसी और ईंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और पुराना भट्ठा होने के कारण इसके ऊपर उम्मीदें जो है नए और पुराने कस्टमरों की ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों, और विश्वसनीय अच्छे स्तर की ईंट यहाँ पर उपलब्ध, और बहुत ही अच्छे तरह खांचे में ढाला गया है इसको, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भट्ठा है उसके अंदर पकाई भी इसको पूरी पूरी रखी गई है दोस्तों, ताकि ईंट की जो मजबूती है वो डबल हो जाए, कम ना हो। और अगर ईंट की मजबूती डबल हो जाती है दोस्तों तो उस ईंट को तोड़ना आसान नहीं रहता। और ये दूर तक का एरिया है, बाहर आ गए हैं हम, काफ़ी दूर तक आप लोगों ने देखा होगा कि झट्ठे लगे हुए हैं यहाँ पर ईंटों में। इधरली साइड भी है, देखिए थोड़ा मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी ईंटें लगाई गई हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से भी ईंट को उठाया जाता है जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनका काम करने का तरीका होता है अपना अपना। और मुंशी जी बताते हैं जो शुरू में हमने आपको दिखाया रिंकू जी, कि यहाँ से सीट को उठाना है, यहाँ से सीट को उठाना है। और यहाँ पर ये जो है नक्काशी वाले रहते हैं सारे इन घरों में, और इधर की साइड आप देख सकते हैं नक्काशी वाले भी काफ़ी मेहनत करके दोस्तों इन ईंटों को निकालते हैं। एक एक ईंट निकाली जाती है, दो दो ईंट निकाली जाती है, और चट्ठा लगाना आसान नहीं। बहुत ही प्रेम प्यार से सभी मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, और उसी काम का फल है, उसी एकता का फल है कि आज ये भट्ठा दोस्तों टॉप क्लास पर है, और जितनी पहुंच इस भट्ठे की है शायद ही किसी भट्ठे की हो। 27 साल हो गए हैं दोस्तों, तो 27 साल कोई थोड़े नहीं होते दोस्तों, आधी ज़िंदगी निकट जाती है इंसान की। ये देखिए ऊपर का
चढ़ने का पौड़ियाँ जो यहाँ पर बनाई गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ऊपर है नहीं दोस्तों, नहीं ऊपर की वीडियो भी मैं आपको बना करके दिखा देता, अभी ऊपर जा करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर नक्काशी वाले तो हैं, भराई वाले शायद होंगे शायद नहीं होंगे, पत्थर शायद होगी शायद नहीं होगी, कम है, लेकिन जलाई वाले नहीं हैं दोस्तों, और जलाई वाले नहीं हैं तो ऊपर जा करके कोई फ़ायदा नहीं। और माइक नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं रिंकू मुंशी का इंटरव्यू भी लेता। तो आने वाले समय में आशा करता हूँ कि रिंकू से हमारा जो है साक्षात्कार होगा माइक के साथ, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, और यहाँ के जो MD हैं, जो उससे ऊपर MD हैं, उनकी भी मैं इंटरव्यू ले पाऊँ शायद दोस्तों आने वाले समय में माइक ले करके। तो बहुत ही मनभावन दृश्य इस भट्ठे का, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग देखते रहें। हालांकि ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं जाता दोस्तों, लेकिन इस समय जो है YouTube के ऊपर सभी चैनल डाउन चल रहे हैं, और ये वीडियो कम से कम 14 मिनट की तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दोस्तों वीडियो कोई देख नहीं रहा। तो सभी से गुजारिश है कि आप तो वीडियो को देखते रहें। ये देखिए अंदर का दृश्य है दोस्तों, थोड़ा मैं अंदर का दृश्य आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ये ना कहेंगे अंदर गया ही नहीं मैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ईंट निकाली गई, निकाली जा रही है या नहीं निकाली जा रही है, अभी रुका हुआ है काम, धीरे धीरे ईंट निकाली जा रही है क्योंकि अभी सारी ईंट बाहर निकालने की जगह तो है दोस्तों, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि बारिश में ईंट गिली हो जाती है, फिर इसको ले जाने में और लादने में थोड़ी परेशानी होती है। ये देखिए यहाँ से ईंट निकाली जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से ज़्यादा ईंट को निकाल करके दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर जगह तो है, लेकिन वही बात कि ईंट बरसात में जो है गीली हो जाती है, और गीली ईंट हाथ से निकलती है दोस्तों, हाथ भी ख़राब होते हैं, और सूखी ईंट को निकाला जाए, सूखी ईंट को लादा जाए तो जल्दी काम हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर हाथ चिपकते नहीं हैं, उससे हाथ चिपक जाते हैं। फिर ये देखिए यहाँ से इस ईंट को निकाला जाएगा, ईंट काफ़ी मात्रा में भी इस भट्ठे के अंदर मौजूद है दोस्तों। जहाँ से मैं आया हूँ इधर पीछे से घूम करके यहाँ तक, पीछे तक मेरी साइड तक काफ़ी ईंट यहाँ पर निकाली जानी बाकी है। और ये देखिए ये पीछे का एरिया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कच्ची ईंट रखी गई है, ये देखिए कुछ कच्ची ईंट रखी गई है यहाँ पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर भी जो है ये बंद कर दिया गया था भट्ठा दोस्तों, क्योंकि बरसातें ज़्यादा हो रही थी तो बरसातों की वजह से भट्ठे जल्दी बंद हो गए अब के साल। और अब ये भट्ठे जो है दोस्तों दीपावली से पहले इनको चलाया जाएगा, पत्थरे आएंगी। तो ये पीछे का एरिया है दोस्तों जहाँ भट्ठा बंद हुआ, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पीछे का एरिया है जहाँ पर भट्ठा बंद किया गया। हालांकि काफ़ी स्टॉक इस भट्ठे के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है दोस्तों, जो आने वाले समय में रिकवर कर ली जाएगी सारी ईंट जो पकी हुई है। सामने मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए थोड़ा और दिखा देता हूँ अच्छे ढंग से, थोड़ा नज़दीक जा करके। और ईंट भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है दोस्तों, मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, और पुराना भट्ठा होने के कारण इसकी सहजता, इसकी मार्केटिंग, इसकी पहुंच, इसका प्यार मोहब्बत और इसके कस्टमाइजेशन जो हैं पक्के हैं दोस्तों, कस्टमर इसके पक्के हैं, किसी और भट्ठे पे नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे। और प्रेम प्यार मोहब्बत का जो माहौल बनाया हुआ है मालिकों ने और मुंशियों ने, वो भी तारीफ़ के काबिल है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।